हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऊटी। आज फ्राइडे और आज यहाँ मस्त धूप खिली है। कल तो मौसम पूरा बारिश और बादलों का था। 9 डिग्री टेम्परेचर था कल, तो बहुत ही ठंडा लग रहा था। और इतना आइडिया ना रहने के कारण कल तो बुरा हाल हो गया, लेकिन आज मस्त धूप खिली है तो आज बहुत प्यारा लग रहा है। तो आज हम निकल रहे हैं लोकल कुर्ग, लोकल ऊटी की साइट सीइंग के लिए। और आज का स्टे रही ही रहेगा। आज ऊटी में क्या क्या एक्सप्लोर करना है वो देखते हैं। अभी गाड़ी तैयार है, सामान लोड हो चुका है, बस अभी निकलते हैं और खिली धूप का मज़ा लेते हुए ऊटी को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है ऊटी का गवर्नमेंट रोज गार्डन। कुछ इस तरह उसको सजाया हुआ है। 40 रुपीज पर एडल्ट टिकट और 40 रुपीज पार्किंग। और यहाँ से कुछ ऊटी का इस तरह का व्यू दिखता है। ये पूरा गार्डन फैला हुआ है पूरी पहाड़ियों पे, तो बेहद खूबसूरती से इसको मेंटेन किया हुआ नजर आता है। फ्रेंड्स, तो हम आ गए रोज गार्डन। आपको हम रोज गार्डन यहाँ से दिखा दें एक बार। दोस्तों, ये है रिवर वैली रिसॉर्ट, जो कि मधुमलाई फॉरेस्ट रिजर्व के पार्क के बाजू में ही जंगल के अंदर रिवर साइड हिल साइड है, और जो कि सिचुएटेड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स फ्रॉम ऊटी। आज बारिश तो ऊटी में कंटिन्यू शुरू है, ठंडी हवाएं बह रही है और एकाएक वातावरण चेंज होने के कारण। और हम लोग तो आए 46 डिग्री में से और यहाँ पे 9 डिग्री सेल्सियस और ज़ोरों से हवाएं बह रही है ठंडी ठंडी। तो इस चक्कर में कुछ गला भी ख़राब हो गया है, पेट का भी प्रॉब्लम हो गया है। रोज़ गार्डन, दूसरा बॉटनिकल गार्डन, तीसरा लेक व्यू, ऊटी व्यू पॉइंट, टाइगर हिल्स, बूढ़ा बेटा पिक, और बाद में फिर पायकरा वाटरफॉल पे जाकर आए। तो जितने साइट सीइंग करके हम लोग वापस पायकरा वाटरफॉल पे गए मलाई फॉरेस्ट रिजर्व में, और ये जंगल रिसोर्ट कहा जा सकता है इसको। रूम के सामने आए हुए मेहमान, सारे ये है रिवर वैली रिसोर्ट मसीनागुड़ी। देख सकते हो पहाड़ी, पहाड़ी से नीचे बादल, बादलों के ऊपर पहाड़ी और उसको छूता हुआ आसमान। तुझे
रिवर वैली रिसॉर्ट्स के आगे जो पहाड़ी है उसका व्यू देख सकते हो आप। ये अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी है। तो ये रिवर वैली रिसॉर्ट मसीनागुड़ी आज अच्छी सी धूप खिली है, धूप लेकिन उसमें भी थोड़ा सा हल्का सा शावरिंग हो ही रहा है। पाइन ट्रीज उसमें बने हुए कॉटेजेस। और इस वक्त हम जा रहे हैं मधुमलाई टाइगर रिजर्व से, और ये सुअरों का झुंड यहाँ पे रास्ते पे। तो ये कोर एरिया है मधुमलाई टाइगर रिजर्व का। तो अभी ऊटी से निकल चुके हैं और जा रहे हैं कुर्ग। अब कुर्ग कौन से रास्ते से जा रहे हैं ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। अभी आगे चल के जहाँ से मोड़ आएगा वहाँ सोचते कि वाया मैसूर रोड से जाना है या वाया वायनाड से जाना। वायनाड से यहाँ से गुडालूर के और जाकर वायनाड से होके कुर्ग जाने के लिए निकल गए हैं। हल्की सी हैव चोजन वायनाड रोड, गुडालूर से होके वायनाड, वायनाड से होके कुशल नगर और कुर्ग। तो आखिरकार जंगल से ही गुजरने का सोचा और वायनाड से होके निकल गए।